पॅरल मध्ये तीन सब्जेक्ट तीन टॉपिक घेऊन त्याची स्टडी केली की तीन पैकी एक होत तरी होईल म्हणून की परफ्युजन होत होतं आणि ते शेवटच्या टप्प्यापर्यंत होत की आपण जो प्रोजेक्ट केलेला आहे तो खरंच बरोबर आहे की नाही ते परफ्युजन तो राहत पण जर विश्वास ठेवला एका व्यक्तीवर कोणावर आणि आपण गेलो पुढे तर ते डेफिनेट ते झालं होतं कन्फ्युजन ते झालं होतं आणि इथे तुम्हाला सांगता येईल का की तुम्ही तुमच्या ओव्हरऑल म्हणजे प्रोजेक्ट प्रिपरेशन मध्ये प्रोजेक्टची नंतर इंटरव्ह्यूज प्रिपरेशन मध्ये पुढे म्हणाला प्लीज डू नॉट वरी की आपने सेफ हँड्स की केली नामलेले आहे सो आप किस किस किन किन लोगों से सजेस्ट करेंगे कि आप उनसे गाइडेंस लीजिए या फिर आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते नाही इथे मॅडमचं घेतलं होतं आणि सिक्स्थला उदापूरकर सर होते तर सिक्स्थला जर कोणी घेतलं होतं तर आपली नाईन्थला म्हणजे विचारायला गेलो होतो त्या तर त्यांचं घेतलं सजेशन नाही त्याच्या व्यतिरिक्त नाही मग डॉक्टर्स वगैरे जो प्रोजेक्टचा होतं तर त्या हिशोबाने मग इंटरव्ह्यू घेण्याचा डॉक्टरांशी इंटरव्ह्यू वगैरे घ्यायचे होतं तर ते त्या प्रोजेक्टच्या हिशोबाने गायडन्ससाठी म्हणून मग Okay, so you were satisfied with whatever guidance Atharva gave. Yes. Okay, thank you so much. Atharva? जब प्रोजेक्ट बन रहा था डिफिकल्टीज बताइए क्या फेस की ओवरकम कैसे किया इंसिडेंस देखे बताइए हाँ तो डिफिकल्टी जैसे कुछ थी नहीं सिक्स में एक्सपीरियंस था ऑलरेडी थोड़ा सा बेसिक्स पता थे कि कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए वो बताते भी बुकलेट्स देते हैं वो भी एग्जैक्ट प्रोसीजर कैसे होनी चाहिए क्या क्या स्टेप्स आने चाहिए एक डिफिकल्टी कही थी कि मैं मेरे प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी प्रूव नहीं कर सकता था कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती एग्जैक्टली मतलब हम ऐसे रिपोर्ट बना नहीं सकते कि हाँ इम्यूनिटी बढ़ी है ऐसे 10% बढ़ी ऐसे रिपोर्ट नहीं बना सकते वो एक प्रॉब्लम आया था तो उसे ओवरकम करने के लिए फिर अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं कर सकते तो पास में जाना पड़ा ऑलरेडी उसमें जो उन दोनों तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था ये बताओ पहले मेरा प्रोजेक्ट उन्होंने हमारा टॉपिक था इम्यूनिटी बूस्टर्स तो उसमें अलग अलग थे तो मैंने फूड लिया था और मेरा टाइटल था हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कंबाइंड यूज ऑफ डेट्स वाटर चेस्टनट एंड सोया तो उसमें से प्रॉब्लम था कि उसमें उनसे सच्ची में हेल्प हो रही है हमें कि नहीं तो उसके फिर संस्कृत श्लोक्स में जो दिया हुआ है या फिर उसको ऑलरेडी जो वर्क किया गया है पहले उसके बेस में बुक्स में जो हमें गूगल से तो कुछ फायदा नहीं था जो बुक्स में या फिर जो मुझे मिला था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट की 2018 की उसमें से मुझे बहुत हेल्प मिली कि उन्होंने मतलब सब जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज है उसकी क्वांटिटी लिखी हुई थी उसमें बताई गई थी तो उसका हेल्प हुआ था अमीश प्रोजेक्ट आपका बन रहा था उसी वक्त कहीं पे हमारी इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी शुरू आप शेयर करना चाहेंगे कि हमने इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे की सो इंटरव्यू की प्रैक्टिस वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता इंटरव्यू का तो ओनली टाइटल इज जनरल इंटरव्यू अब क्या पूछेंगे वो हमें पता नहीं सो द फर्स्ट थिंग इज दैट आपको अगर ऐसा कुछ है कि फर्स्ट स्टेज में मैंने ये वाला चैप्टर स्किप किया था सो आप सारे चैप्टर्स पढ़ते रहें बिकॉज ये कुछ कंफर्म नहीं होता कि इंटरव्यू में यही पूछेंगे या फिर पर्टिकुलर सिलेबस से आएगा या फिर पास्ट से भी हम रेफर नहीं कर सकते कि लास्ट ईयर ये पूछा था तो इस बार ये पूछेंगे सो आपको सारे चैप्टर्स के बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए सो उसके बाद इंटरव्यू उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है एंड द फर्स्ट थिंग मेन थिंग इज दैट आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर आपको बोलने में उतना ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आपको अपने थॉट्स इजीली एक्सप्रेस करते आना चाहिए सो उसके बाद इंटरव्यू इज नॉट अ बिग टास्क बस आपको साइंस के जो है बेसिक्स और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखने हैं ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला स्किप कर दिया एक्सेट्रा सो इसके बाद इंटरव्यू उतना ज़्यादा आपको हार्ड नहीं जाएगा एंड कॉन्फिडेंस सबके अपने अंदर रखना है कि हाँ मैं कर लूँगा इंटरव्यू और हो जाएगा आगे एंड फॉर एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट इंटरव्यू उसके लिए आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कमांड होना चाहिए मैंने अब क्या किया है
ये करते हो, मुझे क्या डिफिकल्टीज आए, कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई, ये सब आपको पता होना चाहिए। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ कर लो। प्रोजेक्ट बनके तैयार था, सबमिट हो चुका था हमारा, पहले सबमिट करा था एक वीक, तो इधर तो हुई प्रिपरेशन। और मेरे लेवल पे मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट खोला, एक एक पेज पढ़ा और उसमें मुझे क्या लगता है कि क्वेश्चन पूछ सकते, या फिर अगर मैं एक रीडर जैसे पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या नहीं समझ रहा है इस प्रोजेक्ट में, वो मैंने क्वेश्चन लिखे और फिर खुद ही आंसर करने की कोशिश की। नहीं आया मैम को पूछा, सर को पूछा, फिर जब हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू प्रैक्टिस हुई थी तो हमने एक दूसरे के प्रोजेक्ट के लिए एक दूसरे ने क्वेश्चन पूछे, ऐसे नहीं इसके इंटरव्यू है, मतलब अलग अलग लोगों से मिलेंगे, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करूंगे तो वो अलग अलग आइडिया देता है। अगर एक के साथ डिस्कस करूंगे 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करूंगे 100 क्वेश्चन मिलेंगे, वो फायदा होता है। ओके अंजन मैम, इस पूरे एक्सपीरियंस में अथर्व क्या उसकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है बताएं, क्या आपको लगता है कि ये कुछ 6 महीने में अथर्व को बहुत चेंज हुआ है? पहले वो जैसे बात तो नहीं है लेकिन किसी से जल्दी से इंटरेक्ट नहीं करता था, फ्रेंड्स के साथ करता है लेकिन उसके एज के एज ग्रुप के साथ, उससे बड़े जो है उनके साथ जल्दी इंटरेक्ट नहीं करता था, लेकिन प्रोजेक्ट की वजह से उसको वेजिटेबल वेंडर से लेके ग्रोसरी शॉप वाले से, और हमने आईआईटी के लैब में भी गए थे कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, तो वहाँ के लैब अटेंडर से, फिर कुछ रूड लोग थे कि जिन्होंने टाइम नहीं, अब ये टाइम नहीं आने का, तो सिर्फ रूड लोगों से भी उसको, और उसने पूरे उस प्रोसेस को बिल्कुल खुद को टेम्पर हाई नहीं किया, शांत रखे, अपना काम है करके लेना है वो सोच के उसने हो गया, तो वो सीखा उसने कि अपना काम है अपने को शांत रखे करवा के लेना। क्या इंसिडेंस मैम ने बताया कि शेयर किया था मुझसे, आप मुझे लेटर ला दीजिए तो मैं आपको मेरा इंटरव्यू दूँ या मैं आपको गाइड करूँ, उसके बाद जब उनको टॉपिक पता चला तो तुरंत शी वाज लाइक कि आप मुझे सारी रेसिपीज बता दीजिए, हम उसका पेटेंट ले लेंगे। तो ये दुनिया में इस तरह के लोग भी मिलते हैं कि जब हमारी जरूरत होती है तो लेबर लाइक कि नहीं नहीं आप तो सारे रूल्स फॉलो करो, हमको लेटर लाके दो, और इतना अच्छा प्रोजेक्ट है पेटेंटिंग हो सकता है तो देन लेबर लाइक, तो ऐसे भी लोग मिलते हैं एंड ऐसे भी लोगों से डील करते आप लोगों को आता है। पार्टनर मैन, पूरे जर्नी में अमीशा जी अपार्ट फ्रॉम मेडल, मेडल के अलावा क्या मिला? मेडल के अलावा मिला कि काफी मतलब अच्छा इसकी जर्नी रही। पहले तो सबसे पहले बात की आप लोगों का सपोर्ट बहुत रहा, बहुत ज्यादा, मतलब अमीश ने बताया कि जैसे वो काफी टाइम स्कूल के एग्जाम के कारण वो बहुत सारा टाइम गंवा दिया था, उसको खुद डिसाइड नहीं था कि उसको करना क्या है, लेकिन फर्स्ट जब सर से बात हुई, मैडम से बात हुई, तो उसके ठीक सेकंड डे थी उसने टॉपिक चूज किया कि हाँ उसको ये करना है, और सबसे बड़ा सपोर्ट मैडम का रहा, सर का रहा, जिसकी वजह से ये आज यहाँ तक पहुँचा, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। और ये तो बच्चों की प्रिपरेशन है, नहीं मैडम चाहते हैं मैं लगभग दाहा सुधा के लेगा मैडम ला क्लास दे, मैडम भी बिजी असर, मैडम जब क्लासेस असर पाई जब उनको मैडम दाहा वस्ता फ्री होता था तो मैडम अभी दाहा वस्ते तुम्हारा त्रास दे रहा, अरे तरनी आप मतलब व्यवस्थित समझा लो, असर नहीं कि खाई गई चलो चलो खाना पड़ो व्यवस्थित के लो तैयार सर से, ये सही बात है, इसमें कोई त्रास सिर्फ एवढा शेड्यूल बिजी शेड्यूल को तो मुंबई गई होटल, अभी मैडम से बात किया कि मैं होटल पे जहाँ थी वहाँ रूम ले रही थी, दो तीन लेडी जाए, बोले मम्मी पापा के लिए है, मैं बोली यस कहाँ से है, बोले अकोला, ओ सर क्या से आप लोग का तो गोल्ड मेडल तय है, क्या आप ये जो इंटरव्यू है जब आएगा इसका रिकॉर्डिंग तो आपके पेरेंट्स को भी दिखाइए,
डेफिनेटली आपके पेरेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छा ग्रूम कर रहे हैं एंड इनके इंटरव्यू से वो और ज्यादा फैसिलिटेट होगा। तो मैम से एंड सभी लोगों से मैं अब एक फाइनल जो वो कहना चाहते हैं आप लोगों से उस चीज की रिक्वेस्ट करूंगी, देन द इंटरव्यूज विल बी ओपन फॉर यू, यू विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग एनी। सो अदर से ही शुरू करते हैं, अदर सजेशंस फॉर ऑल दीस नाइन स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू अचीव समथिंग। फेलियर्स आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा हमें सक्सेस मिलेगा, फेलियर्स आते हैं तो हमें उन्हें ब्रेवली फेस करना चाहिए, हम किधर गलत हुए उसे नोट करना चाहिए, उस पॉइंट बेटर वर्क करना चाहिए और परसिस्टेंट है और कंसिस्टेंस रहनी चाहिए और एम सेट रहा तो चीजें इजी हो जाती है, ऐसे एम एकदम हाई नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप हमें एम की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसा कि अभी अथर्व ने कहा मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, बस मैं यही कहना चाहूँगा आप एम रखिए, पढ़ाई अपने आप होगी और सक्सेस भी आपको मिलेगी, बस आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर लगे रहना है एंड आपको मजा आएगा पूरे, अगर आप तीनों स्टेजेस पे जाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल डेवलप होगी। थैंक यू उसे तो ज्यादा टीचर लोग का ही सपोर्ट है, पेरेंट्स सिर्फ वो अपना काम करेंगे बाकी तो मेहनत सब टीचर और बच्चों की रहती है, बस हम लोग तो बस टाइम दिया यहाँ चलो वहाँ, टीचर को टीचर का मैसेज आया उनको बताना कि टीचर ने ये बोला ऐसा करो, जहाँ करके वहाँ हम भी बोलते कि भाई यहाँ जब टीचर ने बोला तो इसको सुधारो, टीचर से बात करो, लेकिन मेहनत तो बहुत आप तो बच्चों तो बस। थैंक यू मैम, तुम्ही क्लास लावलाय ना तुम्ही विश्वास ठेवा टीचरवर तुमच्या, डेफिनेटली तुम्ही तिन्ही लेवल क्रॉस करा आणि जेव्हा तिथे प्राइस डिस्ट्रीब्युशन साठी जातो ना तर पेरेंट्सना खूप अभिमान वाटेल तुमचा, ते कोणतंही असो तिथे प्राइस ब्रँड असो सिल्वर असो गोल्ड असो पण तुम्ही तिन्ही लेवल करून जा, तिथे मोठ्या मोठ्या सायंटिस्ट येतात तुम्हाला मोटिवेशनल स्पीच देतात ते पण तुम्हाला ऐकायला मिळतात, तुम्ही अजून मोटिवेशन होतात त्याच्यात आणि जे क्लास लावलाय ना त्याच्यावर विश्वास ठेवा, कुठेही अडचण आली तर हे लोक बसलेले आहेत दिवस रात्र, सरांची इथे सुद्धा तुम्ही जाऊ शकता, सरांकडे गेलेले आहेत दोन तीनदा, सरांनी त्रास दिलेला आहे तेव्हा तर आपण आठवीतच होता तेव्हाही गेली होती मी सरांकडे, पण डेफिनेटली तुम्ही विश्वास ठेवा याच्यावर, क्लासवर व्यवस्थित होऊन जातो तुमच्या तिघे लेवल व्यवस्थित, मेहनत तर तुमची लागेलच आणि सपोर्ट करायला टीचर्स आहेत तिथे बसले। थँक यू सो मच मॅम, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी, बहुत अच्छे टिप्स मिले होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस गो अहेड, आर अचीवर्स देयर सपोर्टर्स ऑल आर विद अस, जो स्टूडेंट्स में से क्वेश्चन पूछना चाहता है डू नॉट हेजिटेट, ये दोनों बच्चों की खासियत है वो बहुत सवाल पूछते हैं, सो दे डू नॉट लीव एनीथिंग लाइक यहाँ नहीं समझ में आया तो स्किप कर लो, राइट, सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। Yes, please. Come.